सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी. तो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज टॉपिक. आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आई थिंक टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका. तो जो बेस्ट आंसर है, एक तो रीत है, ठीक है, रीत और सुष्मिता सोनी, ठीक है, सुष्मिता सोनी एंड रीत दोनों हिंदी मीडियम से हैं. आज के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसको ब्रीफ में देखते हैं. जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं. तो पहला जो टॉपिक है रिपोर्ट ऑन एजुकेशन, उसके बाद मंकी फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे, इस पर थोड़ा सा एक आया है. उसके बाद रेड पैंडा के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिकली रिलेटेड विद अगेन रिलेटेड विद हिमालयन रीजन पर ये आपका आया है एक. और कोड ब्लड बैंकिंग क्या होती है ये काफ़ी न्यूज़ में है. कोड ब्लड बैंकिंग ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट कोड ब्लड बैंकिंग. उसके बाद आईसीएस के बारे में, पीएनडीटी के बारे में, एंड देन आई विल गिव यू द मेन्स क्वेश्चन जो आपको अगेन प्रिपेयर करना है, मतलब अपना आंसर को सेंड करना है. दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे. बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट अनअकैडमी. तो अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स आप पूरा कर सकते हैं. अभी मार्च का करंट अफेयर्स चल रहा है, इस तरीके से हर महीने आपका करंट अफेयर्स आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस टाइप से. तो जो 2021 की 2022 की तैयारी कर रही है, इसके बाद की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर्स करना है, तो आप अनअकैडमी में मुझसे जुड़ सकते हैं और अपना करंट अफेयर्स को पूरा कर सकते हैं. जो प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपना पूरा प्रीलिम्स का कोर्स को कवर करने की. और ये क्लासेस आपकी अप्रैल 30th तक चलेंगी, ठीक है. आई एम टेकिंग करंट अफेयर्स, 2 ईयर्स करंट अफेयर्स, और 3:30 PM को आपकी क्लास होती है. तो इसको अगर आपने नहीं किया तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू यूज दिस रेफरल कोड, दैट इज SPLIVE. जैसे ही आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करोगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%. और मेरे कोर्सेज तो आप कर सकते हो, दूसरे सभी कोर्सेज आपके लिए जो है वो फ्री होंगे. एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास कि जो 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन है इसका अमाउंट काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है, 43K है, ठीक है. तो 1 ईयर और 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो. इसमें आपका जीएस के अलावा, जीएस के सभी सब्जेक्ट्स के अलावा ऑप्शनल टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है. एंड रिमेंबर टू यूज़ दिस रेफरल कोड, दैट इज SPLIVE. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला जो टॉपिक है अगेन साइंस से रिलेटेड ये टॉपिक है आपका, और ये है आपका कोड ब्लड बैंकिंग, ठीक है. कोड ब्लड बैंकिंग अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोड ब्लड बैंकिंग. तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि बेसिकली कोड ब्लड बैंकिंग है क्या. तो यहाँ पे जैसे इस पिक्चर में जब आप देखोगे तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा. तो जब चाइल्ड बॉर्न होना होता है तो ये एक कॉर्ड है, इससे बेसिकली जो मदर है वो इससे लिंक्ड होती है, और यहाँ से कुछ आपके कई सारे सेल्स और ब्लड ट्रांसमिट होते हैं. तो उस समय पॉसिबिलिटी है कि हम इसको काट के और इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर के लिए काफ़ी काम में आएगा. तो हम इसको कहते हैं यूम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, यूम्बिलिकल कॉर्ड हम इसको कहते हैं. और बेबी इज बॉर्न विद द यूम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड, द कॉर्ड इज क्लैम्प्ड एंड कट सो दैट द बेबी कैन बी क्लीन्ड एंड टेकन. तो ये आपका इसको कट किया जाता है, ठीक है, इस पार्ट को कट किया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. तो इसको क्या है, कॉर्ड ब्लड विल बी ड्रॉन फ्रॉम द क्लैम्प्ड कॉर्ड. तो इसके अंदर जो ब्लड है, इस कॉर्ड के अंदर जो ब्लड है उसको बाहर निकाला जाता है इनटू ए स्पेशल कलेक्शन बैग बाय द डॉक्टर्स. द ब्लड इज सेंट टू अ लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस एंड द रेड ब्लड सेल्स आर सेपरेटेड. और इससे आपके रेड ब्लड सेल्स को सेपरेट किया जाता है और फिर इसको स्टोर किया जाता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट है, कई सारी बीमारियों के लिए सही है, है ना. जैसे देखो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स की क्या खासियत होती है, क्या जरूरत होती है कि कई सारे दूसरे जो बॉडी के दूसरे जो सेल्स हैं उनको ये
एक प्रकार से अगर आप ध्यान दो तो उन सेल्स को ये बना सकते हैं, स्टेम सेल्स की अगर आप बात करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए और कई सारे ऐसे ऑर्गन जिनके रीजनरेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो कॉर्ड ब्लड की अगर आप बात करोगे, ये ब्लड ऐसा ब्लड है दैट रिमेन्स इन द यूम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लासेंटा पोस्ट डिलीवरी, डिलीवरी के बाद भी ये आपका रहता है। तो इसको कट करके इसके अंदर का जो ब्लड है उसको स्टोर करना है। देर इज अ मैटरनल फीटल ट्रांसफर ऑफ सेल्स टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ बोथ द मदर एंड द बेबी इन द प्रिपरेशन फॉर लेबर। तो ये इसका एक रोल है, इसके थ्रू जो कई सारे सेल्स ट्रांसफर होते हैं, ब्लड ट्रांसफर होता है, जो कि इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है आपके बेबी के भी और मदर के भी। उसके बाद दिस मेक्स कॉर्ड ब्लड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अ रिच सोर्स। तो डिलीवरी के टाइम पे ये जो कॉर्ड ब्लड है ये काफ़ी ज़्यादा एक रिच सोर्स हो जाता है स्टेम सेल्स का और दूसरे सेल्स का, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं जो अगेन रिक्वायर्ड है उनके लिए एक ये इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। तो कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या है, तो कॉर्ड ब्लड आप देख लिया, अब इसी कॉर्ड ब्लड को स्टोर करने को हम कहते हैं, वी कॉल इट एज कॉर्ड ब्लड बैंकिंग, वी कॉल इट एज कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। ये क्या है, ये प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द कॉर्ड ब्लड एंड एक्सट्रैक्टिंग एंड क्रायोजेनिकली फ्रीजिंग, मतलब फिर आप इस टाइप से इसको स्टोर करोगे, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन स्टोरेज टैंक एट -1 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर किया जाता है और फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके कई सारे एडवांटेज हैं, इजिली अवेलेबल है और है ना, उसके बाद रीजनरेटिव है, प्योर है, लेस रिपल्सिव है, पॉसिबिलिटी ये आपका होता है कि इसको ये रिजेक्ट नहीं होगा, बॉडी की इम्यून सिस्टम इसको रिजेक्ट नहीं करेगी। तो ये एक बहुत बड़े आप कह सकते हो कि इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। इंटरनेशनल लिटरेचर हैव रिकॉर्डेड ओवर 80 डिजीजेज हैव बीन ट्रीटेड विद द कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट्स। तो लगभग 80 जो डिजीजेज हैं उनको ट्रीट किया गया है, ठीक है, 80 डिजीजेज आपके अराउंड इसको ट्रीट किया गया है बाय दिस पर्टिकुलर कॉर्ड ब्लड, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ग्लोबली कॉर्ड ब्लड बैंकिंग इज रिकमेंडेड एज अ सोर्स ऑफ हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम बोन मैरो, पेरिफेरल ब्लड सेल्स, यूम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांटेशन फॉर हीमेटोलॉजिकल कैंसर्स एंड डिसऑर्डर्स वेयर इट्स यूज इज रिकमेंडेड। तो ये आप ये समझो कि ये जो ब्लड है, इस ब्लड का इस्तेमाल बहुत सारे ऐसे डिजीज के लड़ने के लिए, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो या कई सारे जो इम्यून सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो कई सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बेसिकली रिलेटेड है साइंस से रिलेटेड, ये भी अगेन टॉपिक है और ये है बेसिकली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर सकते हो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, अगर आप प्रीलिम्स 2020 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि एक सेशन हमने लिया था 500 करंट अफेयर्स के MCQs का, तो ये ऑलरेडी एक अपलोडेड, एक पार्ट अपलोडेड है जिसमें अराउंड 170-180 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और सेकेंड जो सेशन इसका होगा वो आपका होगा आज 9 PM को, तो 9 PM को आप तैयार रहना, YouTube के अंदर ही ये सेशन आपका होने वाला है। और करंट अफेयर्स के सारे जो टॉपिक्स हैं जो हम द हिंदू में डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे सोर्सेस में डिस्कस कर जो हमने किया है पहले, तो वो सारे क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग रिवाइज कर पाओगे। तो ये सेशन अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3-4 आवर्स का सेशन आपका होगा, तो इसको आप देख सकते हो और अपना पूरा का पूरा जो रिविजन है वो कर सकते हो थ्रू MCQs, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर से देखें। तो टॉपिक क्या है, NSIL, तो ये है क्या, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है इनकॉर्पोरेटेड इन अ न्यू कमर्शियल एज अ न्यू कमर्शियल आर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो कई सारी कमर्शियल एक्टिविटीज को करने के लिए इसका गठन किया गया है, इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, जिसे हम NSIL कहते हैं। टू हार्नेस इंडियाज स्पेस पावर कमर्शियली, टू स्पेयर हेड कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, ट्रांसफर टू टेक्नोलॉजीज एंड मार्केटिंग ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स। बहुत सारे स्पेस प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे आप मान लो हमने अपनी कोई सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की और उस सैटेलाइट के लॉन्च करने में हम दूसरे देशों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स को दूसरे देशों को भी दे सकते हैं और उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हम कुछ चार्ज कर सकते हैं। इसी तरीके से लॉन्च व्हीकल्स बनाने के लिए और नए आपके कई सारे दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेस
टेक्नोलॉजी है इसको भी आज के समय में कमर्शलाइज किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने का, ठीक है। तो आपने कई बार सुना भी होगा कि इसरो ने यूएसए के 100 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए, इसके इतने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए। तो ये जब लॉन्च किया जाता है तो बेसिकली इसका कुछ सर्विस चार्ज होता है जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट होता है और सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी होता है इसरो के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और ये समझो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे ही समझो, आज के समय में क्या होता है, जैसे आप मान लो आप घर से निकले, ठीक है, और आपके आसपास कोई दो तीन लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है अगर आप इस रास्ते जा रहे हो तो हमें भी लेते चलो। तो कहने का क्या मतलब है कि हम अगर सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और हम जब सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और उसी पाथ में कुछ दूसरी सैटेलाइट्स भी किसी दूसरे देश को लॉन्च करनी है, छोटी सैटेलाइट्स हैं, तो उसको हम लेके लॉन्च कर सकते हैं और इससे हमें कई सारे कई जो रेवेन्यू है वो जनरेट हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो NSIL है ये बेसिकली क्या है, ये एक कमर्शियल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। तो बहुत सारी चीज़ें ये काम करेगा, जैसे लॉन्च व्हीकल्स का प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से रिलेटेड और बहुत सारे जो स्पेस प्रोडक्ट्स हैं उनके मार्केटिंग के लिए भी काम करेगा। तो ये आपका पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो ये GS पेपर 3 के अंदर एक टॉपिक है, GS 3 के अंदर आपका एक सेपरेट टॉपिक है, तो वहां पे ये इसके बारे में लिखने को आ सकता है 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपको ये इनके आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये आर्टिकल है और बट ये सब बातें इसमें नहीं लिखी हुई हैं, इसमें तो ओपिनियन लिखा हुआ है। एक आर्टिकल रेड पैंडा से रिलेटेड है, द हिंदू में ही रेड पैंडा, तो आप इसको देख सकते हो। तो ये जो रेड पैंडा है इससे रिलेटेड है। तो देखो कोई भी जो स्पीसीज होती है रेड पैंडा, जैसे अगर आप इसमें देखो तो उसका IUCN स्टेटस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और कई सारी जगहों पे जब आप आंसर लिखते हो तो वहाँ पे आप एग्जांपल भी कोट कर सकते हो कि अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उस पर इम्पैक्ट पड़ता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप लोग मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे इस रेड पैंडा की बात करेंगे तो ये एलोरस फलजेंस जो है इसका साइंटिफिक नेम है और ये एक मैमल है। पहली चीज़ तो ये याद रखो मैमल, इस पर लगातार आर्टिकल रेड पैंडा के ऊपर आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन जाए, कोई क्वेश्चन मेंस का बन जाए, जहाँ पे आप मेंस में तो जनरली ऐसे नहीं पूछेंगे बट एज एग्जांपल के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये क्या है, एक मैमल है और ये ईस्टर्न हिमालय और साउथ वेस्टर्न चाइना में पाया जाता है। तो पहली चीज़ तो याद रखो ईस्टर्न हिमालय और हिमालयन और साउथ वेस्टर्न चाइना में पाया जाता है, ये एंडेंजर्ड है, ये लाइन याद रखना है, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है एज पर IUCN रेड लिस्ट, ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, अलग अलग कैटेगरीज आपकी होती है, तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में रखा गया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। वाइल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड फ्यूअर देन 10,000 मेच्योर इंडिविजुअल एंड कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, लगभग इसकी पॉपुलेशन भी 10,000 के आसपास बची, ज्यादा नहीं बची है, ठीक है। तो एक था रेड पैंडा पे मूवी बन सकती है। उसके बाद क्या है, कंटिन्यूज टू डिक्लाइन ड्यू टू हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अच्छा देखो हैबिटेट लॉस आप जानते हो, मतलब जो इसके रहने की जगह है उस पर फिर आपका अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो हिमालयन रीजन में हो रहा है उस वजह से इसके आप कह सकते हो कि हैबिटेट का लॉस होगा, पेड़ काटे जाएंगे और ये सब कुछ। उसके बाद हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन, अगर आप इमेजिन करो कि आपका घर है, बीच में से कोई एक दीवार खींच दे और कह दे कि इस तरफ ही तुम रह सकते हो, उस तरफ नहीं रह सकते, तो कितना अनकंफर्टेबल होगा। तो यही इनका भी होता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं उसको बीच में आपने कुछ कर दिया, चाहे वो रोड बन गई या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, जिस वजह से इनका हैबिटेट का डिवीजन हो गया। उसके बाद पोचिंग, मतलब पेट ट्रेड के लिए, मतलब इनको पकड़ा जाता है, फिर इनको मीट के लिए, इनके फर के लिए इनको मारा जाता है और मतलब इनको बेचा भी जाता है, तो ये पोचिंग है। उसके बाद इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो होता क्या है कि जब सपोज एक स्पीसीज ए है, दूसरी स्पीसीज ए है, तो हो सकता है जब इनकी मेटिंग हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन आपका हो, तो कुछ जो इनकी नई जनरेशन आएगी, मान लो बी आएगी, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो जो इसमें विजिबल है, इसमें विजिबल है, इसमें विजिबल ना हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब कि जब आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी धीरे धीरे लिमिट हो जाती है विद इन स्पीसीज, जब आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी लिमिटेड हो जाती है तो जो कमिंग जनरेशन है उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ जीन्स जो है वो सप्रेस हो जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक रेड पैंडा में देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वी कॉल इट एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और ये जायंट पैंडा से रिलेटेड नहीं होता है,
ठीक है। तो जायंट पैंडा 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 देखते हुए आपको ये नहीं सोचना है कि जायंट पैंडा बड़ा जो पैंडा है उससे रिलेटेड है, रेड पैंडा एक अलग स्पीसीज है। उसके बाद क्या है, ये एक एंडेंजर्ड रेड पैंडा है, मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज है। और ये हाईलाइट किया गया है कि अब कुछ हिमालयन रीजन के अंदर जो इनको मारते थे उनके इंटरेस्ट अब चेंज हो रहे हैं, हो सकता है कि अब कुछ और करने लग गया हो, तो जो हंटर्स हैं वो कम हो गए। हंटर्स कम हो गए तो मारने वाले भी कम हो गए, और इस वजह से इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो हो रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक टर्म मैं आपको बताऊंगा, दैट इज ट्रैफिक। ये यूपीएससी ने पूछा, TRAFFIC, ठीक है, ट्रैफिक। ये ट्रैफिक क्या है, तो ये वो गाड़ी वाला ट्रैफिक नहीं है, ये ट्रैफिक क्या है वो देखते हैं। अब ये ट्रैफिक क्या है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। तो आप ये देखते हो कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग मतलब जंगल में बहुत सारे आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे आपके प्लांट्स एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रेड किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड किया जाता है। और आपका एक कन्वेंशन भी है जिसे हम साइट्स कहते हैं, कन्वेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड, तो उसको रोकने के लिए आपका ये साइट्स नाम का कन्वेंशन भी है। और ट्रैफिक भी एक प्रकार से क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, किसको, वाइल्ड लाइफ ट्रेड को, प्लांट्स या एनिमल्स उनके ट्रेड को मॉनिटर करना। तो ये अगर इस जंगल से ये जानवर बेचा जा रहा तो वो सबको मॉनिटर किया जाता है, और फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम के अंदर उसको रख के अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको उसके ऊपर आपका केस होता है। तो ये ट्रैफिक आपको याद रखना है, ये पूछा गया है, वर्ल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइड फंड का और IUCN का, WWF, ये जब वो टीवी में शाम को आता वो वाला नहीं, वर्ल्ड वाइड फंड और IUCN का ये ज्वाइंट प्रोग्राम है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस इनका दोनों का ये ज्वाइंट प्रोग्राम है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा है ना, क्योंकि ये पूछा भी गया है, स्टेटमेंट्स दो आपके इससे रिलेटेड पूछे भी गए। उसके बाद क्या है, ट्रैफिक हैज गेन्ड इट्स ग्रेटेस्ट रेपुटेशन फ्रॉम सपोर्टिंग साइड्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। और ये ट्रैफिक कब क्रिएट किया गया, 1976 में इसका क्रिएशन किया गया, और हम ये कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड ट्रीटी से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ठीक है। ये अब अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ये जो एनिमल है रेड पैंडा को मीट के लिए, फर के लिए, इलीगल कैप्चर के लिए ऑफ द पेट ट्रेड, इसके लिए आपका इनको मारा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मंकी फीवर क्लेम्स वन लाइफ। तो यहाँ पे मंकी फीवर इंपॉर्टेंट हो जाता है, मंकी फीवर क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो आज साइंस के काफ़ी सारे ज़्यादा टॉपिक्स हैं, और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल टॉपिक्स भी हैं, बट अगेन जैसे मैंने कहा कि वो जो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है वो हम डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे साइंस के टॉपिक्स हैं, कुछ आपका टेररिज्म से रिलेटेड एक टॉपिक है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट होता है। तो मंकी फीवर को हम क्या कहते हैं, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ भी। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है, बेसिकली न्यूज़ में भी था काफ़ी, और है भी, मंकी फीवर, ठीक है, मंकी फीवर, या फिर इसका जो टेक्निकल नाम है उसको क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ भी हम इसको कहते हैं, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ भी हम इसको कहते हैं। ये क्या है, टिक बॉर्न वायरल हेमरेज फीवर है, और ये साउथ इंडिया में मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो टिक्स होते हैं, छोटे छोटे जो टिक होते हैं है ना, वो आपके मंकी में प्रेजेंट होते हैं, और है ना, मंकी में ये प्रेजेंट होते हैं, और ये वायरस भी आपका इन्हीं मंकी पर प्रेजेंट होता है, और इसके थ्रू ये आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, किसको, ये ट्रांसफ़र आपका हो जाता है ह्यूमंस को, मंकी के थ्रू, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है, ये मंकी से ट्रांसफ़र होता है ह्यूमंस को, ठीक है, मंकी से ये ह्यूमंस को ट्रांसफ़र होता है। तो मेनली क्या होता है, जो जंगल में जाते हैं, जंगल वाले इलाकों में, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो ये होस्ट है जो वायरस को कैरी कर रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट ह्यूमन से हो, और फिर ह्यूमंस को ये ट्रांसफ़र आपको हो जाए। तो साउथ इंडिया में ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है, जिसे हम कह रहे हैं मंकी फीवर या फिर क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़, ठीक है। ये डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस बिलोंगिंग टू द फैमिली फ्लेवरी डाई, ठीक है, और यही जो वायरस है, इसी कैटेगरी का जो वायरस है, ये येलो फीवर और डेंगू फीवर भी आपका कॉज करता है, ठीक है, फ्लेवरी ये आपका है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज रिलेटेड विद द बर्ड फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू ये आपका आया है, बर्ड फ्लू से रिलेटेड है, और ये जो बर्ड फ्लू या फिर एवियन फ्लू भी हम इसे कहते हैं। तो बर्ड फ्लू वायरस इन्फेक्ट जो करता है वो बर्ड्स को करता है, इंक्लूडिंग चिकन्स, पोल्ट्री, वाइल्ड बर्ड जैसे डक्स है, और इसको बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं।
कई प्रकार के इसके टाइप्स हैं, जैसे कुछ जो वायरस हैं H5N1, H7N9, ये आपको याद रखना है। H1N1 मैंने आपको स्वाइन फ्लू से रिलेटेड कराया था, ये क्या है H5N1 और H7N9। ये कई सारे जो आप कह सकते हो लोग हैं एशिया, अफ्रीका, पैसिफिक, मिडिल ईस्ट देशों में, यूरोपियन देशों में, उनको इसने इन्फेक्ट किया है। अभी कुछ आपका साउथ इंडिया में भी देखने को, कोझिकोड में भी ये स्प्रेड हुआ, इस वजह से कई सारी जो आपकी जो पोलिट्री में हेंस और ये सब है इनको मारा गया। मोस्ट ऑफ द पीपल हु गेट बर्ड फ्लू हैव हैड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड्स। तो ये भी क्या है, अगर जैसे पोलिट्री है एरिया है वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट में आता है ऐसे बर्ड से, ठीक है, जो कि इस वायरस को कैरी कर रही है, पॉसिबिलिटी आपकी ये है कि है ना, कि उस बर्ड से ह्यूमन को ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कपल विथ IS लिंक्स हेल्ड इन द कैपिटल। तो ये बेसिकली दिल्ली वायलेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो टॉपिक डिराइव्ड टॉपिक आपको याद रखना है, बेसिकली इट इज ISIS, ISIS के प्रेजेंस से रिलेटेड ये टॉपिक है। और देखो ISIS जो है, जिसे हम इस्लामिक स्टेट कहते हैं, वी कॉल इट एज इस्लामिक स्टेट, ये एक ऐसा फैक्शन है जो कि आपका कहाँ से निकला है, अल नुसरा से, ठीक है, अल नुसरा से निकला है। अल नुसरा कहाँ पे है, ये रिबेलियन ग्रुप है जो कि फाइट कर रहा है आपके सीरिया में, जो लड़ रहा है उसे हम कहते हैं, जो रिबेलियन ग्रुप है वो अल नुसरा है, अल नुसरा से ही ISIS आपका निकला है। और ISIS को आपने फिजिकली तो खत्म ऑलमोस्ट कर दिया है, लेकिन ये एक प्रकार से जो इसकी आइडियोलॉजी या विचारधारा है वो देखने को मिलती है। इसके भी कई सारे जो क्योंकि इसने जो फॉलो किया है, जिसे हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच इसने फॉलो किया था, इसने अपने प्रोपेगेंडा और एजेंडा को इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, कि अलग अलग देशों में जो लोग रह रहे हैं वो उस एजेंडा और प्रोपेगेंडा के कैरियर बन गए, वो उसको कैरी करने लग गए और वो उसको फर्दर स्प्रेड करने लग गए, ठीक है। और लोन वुल्फ अटैक पर भी इसने फोकस किया था। लोन वुल्फ अटैक का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल ही जाके, वो किसी का उसका क्राइम रिकॉर्ड नहीं होगा, वो इनके एजेंडा प्रोपेगेंडा से इतना इन्फ्लुएंस्ड होगा कि जाके वो अटैक कैरी आउट कर देगा। तो ये लोन वुल्फ अटैक भी यूरोप में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको समझना है कि साउथ एशिया में भी इनका प्रेजेंस है, ठीक है, साउथ एशिया में, अगर आप इनका देखोगे तो ये एक प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसका नाम है खुरासन, ठीक है, खुरासन नाम से इनका प्रोजेक्ट है। अब इन्होंने फर्दर एक इसका डिवीजन किया है जिसका नाम रखा गया है विलाया, विलाया नाम का ये कि इनका है, ठीक है, विलाया नाम से। और ये इसका एम पाकिस्तान और इंडिया में दोनों जगह पे आपका टेररिज्म को स्प्रेड करना, ठीक है, दोनों जगहों पे, पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगहों पे टेररिज्म को स्प्रेड करना, ये इनका एम है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे टेररिज्म अगर देखोगे, टेररिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो टेररिज्म सिर्फ ऐसे नहीं है कि बाहर से किसी दूसरे देश से आपके देश में आ रहा है, आपके देश के अंदर भी बहुत सारे स्लीपर सेल्स जो है वो आपके मौजूद होते हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर कई सारी एक्टिविटीज़ को, वायलेंट एक्टिविटीज़ को करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस फिर अगेन प्रोएक्टिवली फिर काम करते हैं और आप कह सकते हो कि इनको रोकने का कोशिश करते हैं, इनको अरेस्ट करते हैं, लीगल एक्शंस जो है वो लिए जाते हैं, या जरूरत पड़ती है तो एलिमिनेट किए जाते हैं। तो ये कुछ आइडिया है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि साउथ एशिया में, साउथ एशिया के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो देश है, अलग अलग जो देश है, चाहे वो अलग अलग, चाहे वो श्रीलंका है या बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, मालदीव्स है, कोई भी इंडिया है, ये देश बेसिकली कोलैबोरेट करें, ठीक है, ये देश बेसिकली कोलैबोरेट करें, तभी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल आपके हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग में कर सकते हैं। इसी तरीके से SCO जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका भारत 2017 में पार्ट बना था, 2017 में इंडिया पार्ट बना था अस्ताना समिट में, इस SCO के अंदर एक यूनिट है जिसे हम कहते हैं रेड्स, है ना, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इंडिया इसके साथ भी कोऑपरेट कर सकता है, इंडिया इसका इस्तेमाल भी कर सकता है, जिससे कि टेररिज्म को फाइट किया जा सके इस पूरे साउथ एशिया के रीजन पे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं टेररिज्म के ऊपर, अगर कोई क्वेश्चन आपका आता है तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपका पूरा आर्टिकल है सेक्स रेशियो से रिलेटेड, और यहाँ पे हमारे लिए PNDT एक्ट हो जाता है। PNDT एक्ट क्या है वो देख लेते हैं। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक, PNDT एक्ट, ये 1994 में आया था, ये पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट लाया गया था। और क्यों किया गया था, इनएक्टेड टू स्टॉप फीमेल फीमेल फिटिसाइड्स। आपको पता है कि
आज के समय में पॉसिबल है कि बर्थ से पहले ये पता चल जाए कि मेल चाइल्ड है फीमेल चाइल्ड, ये पॉसिबिलिटी है। तो क्योंकि हमारे देश के अंदर ये थोड़ा सा टेंडेंसी है कि ये अगर पता चल जाए कि ये फीमेल है, ये मतलब है ना गर्ल चाइल्ड होगी, तो वो फिर उसको मार देते थे या अबॉर्शन करा देते। तो इसको रोकने के लिए आपका ये एक्ट लेकर आया गया था है ना, जिसको हम PCPNDT एक्ट कहते हैं, और ये 1994 में ये आया था। और अरेस्ट द डिक्लाइनिंग सेक्स, इसने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो सेक्स रेशियो है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्ट प्रोवाइड करता है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन, इट रेगुलेट द यूज ऑफ प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स लाइक अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जैसी जो टेक्निक्स हैं उनको ये रेगुलेट करना कि इसको जो पर्पज है उस पर्पज के लिए तो इस्तेमाल हो ही, लेकिन किसी गलत पर्पज के लिए इस्तेमाल ना हो, तो उसको पूरे तरीके से रेगुलेट करने का काम इस एक्ट के तहत आपका होता है। अब यहाँ पे ये अमेंड किया गया था 2003 के अंदर, ठीक है, इसको 2003 के अंदर अमेंड किया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2003 में आपका अमेंड किया गया था तो क्या पर्पज था और ये सब। तो प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट PCPNDT एक्ट टू इम्प्रूव द रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सेक्स सिलेक्शन, टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है इन सेक्स सिलेक्शन उसके लिए इसका उन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स आपके किए गए थे। तो यहाँ पे क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट मेनली कवर्ड ब्रिंगिंग द टेक्निक्स ऑफ प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन विद इन द एम्बिट ऑफ द एक्ट, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को इस एक्ट के अंदर लेकर आया गया, और अल्ट्रासाउंड को इसके अंदर लाया गया, एम्पावरिंग द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल सुपरवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सुपरवाइजरी बोर्ड बनाए गए, ठीक है, और पनिशमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया गया, ये सारी चीज़ें आपकी 2003 एक्ट में रखा गया। अच्छा मैं आपको ये बता दूँ, ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर नहीं लिखी हुई, बट इस आर्टिकल में जो बातें लिखी हुई वो आपके काम की इतनी नहीं है कि यहाँ पे इतना था अब उतना हो गया, ये आपके काम की। यहाँ पे जो डिराइव्ड टॉपिक है उस पर हमें चर्चा करनी है, और डिराइव्ड टॉपिक जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो है PCPNDT एक्ट है। तो यही मैं आपको बार बार समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, आपको वो सारी एक लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है उससे अगर वो पूरा का पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट तब तो ठीक है, जैसे कई हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर आप देखोगे तो उससे जो डिराइव्ड स्टैटिक टॉपिक है उसको आपको जरूर से करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। जैसे इस आर्टिकल से आपका डिराइव टॉपिक क्या हो गया, आपका ये एक्ट हो गया, तो वहां क्वेश्चन आपका बन सकता है। जैसे मंकी फीवर से रिलेटेड आया तो वहां पे मंकी फीवर आपको पता होना चाहिए, रेड पैंडा से रिलेटेड एक आर्टिकल आया तो उसके रेड पैंडा क्या होता है वो जानकारी आपको होना चाहिए। तो इस वे में जब आप अप्रोच करते हो तो बहुत सारे जो टॉपिक्स है GS 1, 2, 3 के और ऐसे के आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रिपोर्ट कैटेगरी में आप नोट कर सकते हो, और ये पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा जो है हाईलाइट किया गया है, और उन्होंने ये हाईलाइट किया। तो यहाँ पे जैसे कोई टॉपिक आया है तो देखो क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं आने वाला है कि आप बताओ पार्लियामेंट्री पैनल है ना ने क्या कहा है एजुकेशन से रिलेटेड, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कोई एसे लिखने को आ जाए या कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है तो वहां पे आप इस चीज को कोट कर सकते हो, वहां पे आप ये कह सकते हो कि एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री पैनल उसने हाईलाइट किया है कि यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, है ना, ओवर 40% गवर्नमेंट स्कूल डोंट हैव पावर और प्लेग्राउंड्स, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और प्लेग्राउंड्स भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, ठीक है, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हो। एक तो आप अपने आप से कह रहे हो कि ठीक है ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, एक तो आप अपने हिसाब से कह रहे हो, और एक तरीका होता है कि आप रिपोर्ट को कोट कर रहे हो, तो ऐसी रिपोर्ट्स अपने आपको अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांग करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो, ठीक है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रांग करने के लिए आप इन रिपोर्ट्स को कोट करते हो, वहां पे आप लिख सकते हो कि एज पर दिस रिपोर्ट ये हाईलाइट किया गया है जब भी कोई क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हाफ द गवर्नमेंट स्कूल इन द कंट्री डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी और प्लेग्राउंड्स, मतलब 40% के अराउंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पार्लियामेंट्री पैनल ऑन एजुकेशन। ओनली 56% ऑफ द स्कूल्स हैव इलेक्ट्रिसिटी विद द लोएस्ट रेट इन मणिपुर एंड मध्य प्रदेश, वेयर एज लेस देन 20% हैव एक्सेस टू पावर। तो देखो ये इतना याद नहीं रहेगा, बस आप ये जो लाइन है ना, ये दो लाइन्स आपको याद रखना चाहिए और आप कोट कर सकते हो। तो कभी भी जब भी आप करंट अफेयर्स करते हो तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी टॉपिक आप कोई नोट डाउन कर रहे हो तो उसको सेक्शन वाइज नोट डाउन करो, डेट वाइज मत करो,
करो, जैसे आप आईआर का सेक्शन बना लो, इकोनॉमी का बना लो, एनवायरनमेंट का बना लो, इस टाइप से ज्योग्राफी एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट एक साथ बना लो, आईआर अलग बना लो, इकोनॉमी का अलग बना लो, पॉलिटी का अलग बना लो, है ना, एग्जाम्पल और रिपोर्ट्स का एक अलग सेक्शन बना लो। तो जो जो टॉपिक जिससे रिलेटेड उसको वहीं लिखो। देखो होगा क्या, 3-4 महीने 5 महीने जब आपके हो जाएंगे तो आपके हर सेक्शन के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कि मेरे बहुत सारा चीज़ कवर हो गई। और पूरे साल का जब अपडेट आपका एक सेक्शन का होगा कि आईआर में, तो आप चीज़ें भी आपस में कनेक्ट कर सकते हो, तो ये आपका बेनिफिट होता है। तो कई स्टूडेंट्स जो है नोट्स प्रिपेयर डेट वाइज करते हैं, तो वो इतना हेल्पफुल आपके लिए बाद में नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि पेपर भी अगर आप देखोगे तो पॉलिटी जो है वो GS2 में है, तो इकोनॉमी GS3 में है, तो एक दिन पेपर आपका मतलब GS1-2 एक साथ होता है, GS3-4 एक अगले दिन होता है, या एक दिन गैप भी आ सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको रिवीजन के लिए भी एग्जाम से पहले बहुत मदद मिलेगी। आप लोग ऐसे नहीं करोगे कि पॉलिटी के टॉपिक एक बार रिवाइज कर रहे हो, अगर आपने अलग से पॉलिटी का सेक्शन बनाया, आईआर का बनाया, तो आप लोग एक दिन पॉलिटी का रिवाइज कर ले, एक बार आईआर का कर ले, इस टाइप से सिलेबस वाइज आप रिवीजन कर सकते हो, अदरवाइज फिर काफी ज्यादा आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आज का एसे का टॉपिक देख लेते हैं, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ वुमेन। कल इंटरनेशनल वुमेन डे भी था, तो इसलिए ये टॉपिक भी आप लोग देख लो, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ वुमेन। आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू, आप लोग आंसर ग्रुप में जरूर से सेंड करो और कोशिश करो कि आप जो है अच्छे आंसर्स लिखो रेगुलर, है ना। अभी आई थिंक कल जो आंसर लिखा गया था, रीत और सुष्मिता सोनी हिंदी मीडियम से दोनों हैं, उन्होंने अपने आंसर्स को लिखा, तो आप लोग आपस में भी बहुत चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख सकते हो। कोशिश करो कि आपके आंसर अच्छे होने चाहिए। और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि जब भी आप ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को लिखते हो, तो यहाँ पे जब आप वुमेन के ऊपर ये इम्पैक्ट लिखते हो, तो वुमेन को भी आपको ये समझना है कि अर्बन वुमेन के नीड्स अलग होंगे और रूरल वुमेन्स के नीड्स अलग होंगे, ओल्ड वुमेन के नीड्स अलग होंगे और यंग वुमेन के नीड्स अलग होंगे। यंग वुमेन को ग्लोबलाइजेशन से जॉब मिल रही है, लेकिन जो ओल्ड वुमेन है उसको आइसोलेशन फेस करना पड़ रहा है न्यूक्लियर फैमिली की वजह से। तो इस टाइप से सोच के लिखना है, एज अ वुमेन एक यूनिट लेके आपको नहीं लिखना, क्योंकि जो वुमेन है उनके भी मतलब सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट भी वेरी करते हैं और अलग अलग जो है उनका उन पर इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का अलग अलग तरीके से होता है, ये सोच के आपको लिखना है। तो ये आप अपने आंसर मुझे सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज डेली डोज विथ एस डॉट पांडे, ठीक है, डेली डोज विथ एस डॉट पांडे, इस पर आप अपने आंसर को मुझे सेंड कर सकते हो। और जो प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही है कि अगर आपने वो अल्टीमेट क्रैश कोर्स वाला नहीं किया है तो उसको आप जरूर करो। आज भी 3:30 को आपको क्लास है, कल भी आपकी 3:30 को क्लास होगी, ठीक है। तो इसमें 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है, आई थिंक 3-4 क्लासेस आपकी हो गई हैं और जो क्लासेस आपकी मिस की हैं तो वो आपको रिकॉर्डेड देखने को मिल जाएंगी। और आपको इस रेफरल कोड को याद रखना है, SPLIVE, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक बटन सभी लोग जल्दी से प्रेस कर दो और शेयर जरूर करो और लेट्स क्रैक UPSC CSE को जरूर से सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।